हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे क्लास 10 का, और चैप्टर का नाम है पर्सन इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। हमने इंट्रोडक्शन देखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ेंगे, सबसे पहले एंगल पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। द यूनियन ऑफ टू नॉन लीनियर लाइंस कह दें या रेस विद कॉमन वर्टस इज नॉन एज एंगल, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास थीटा, मतलब कि ये एंगल है, ठीक है। ये जो हमारे पास रेज होती है, ये जो रेज होती है ये और ये, इसको हम कहते हैं आर्म्स। ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। तो ये जो दो आर्म्स होती हैं, जब ये मिलती हैं किसी कॉमन वर्टस पॉइंट से, ये इसका कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो ये एंगल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने लोकेट करना है एंगल को। सबसे पहले 30 है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक फिगर बनाएंगे, ये 0, ये 90 होता है, ये हमारे पास 180, ये 360 और सॉरी ये 270 और ये 360। तो जो 30 हमारे पास है, ये कहाँ पे लाइक करेगा, 0 और 90 के दरमियान, यहाँ पे। आपने प्रोटेक्टर ले लेना है, चाहे तो प्रोटेक्टर की मदद से कर लें या सिंपल भी अपने अंदाजे से कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमने किया है। सेकंड हमारे पास है 22, 1/2, इसको सॉल्व करते हैं 44 और 45/2। 45 और 2 को डिवाइड कर देते हैं 0, और ये 2.5 आता है। तो यहाँ पे हम फिर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, 0, 90, 180, 270 और 360। तो ये हमारे पास 0 और 90 के दरमियान के यहाँ पे लाए करता है 22.5, ठीक है। अब इसके बाद -120 है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह का माइनस का साइन आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे जो जगह है वो ऑपोजिट कर देनी है, ऐसे। -120 है तो -90 और 180 के दरमियान में। हाँ जी, ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले एंगल आपको पता हो कि दो रेस हों जिनका कॉमन, जो कि आपस में कॉमन एंड पॉइंट के साथ मिलती हैं, तो उसको हम यूनियन कहते हैं, यानी द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस मीट विद द कॉमन वर्टिसेस इज नॉन एज एंगल, हम इसको कहते हैं। इसको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें हमारे पास 0 होता है, 90, 180, 270 और 360, यानी कि पूरा जो दायरा होता है, देखिए ये पूरा दायरा मैंने लगाया है ये। तो अगर मैं देखूँ बताऊँ कि ये यहाँ पे देखें, एक दायरे में कितनी ट्राइंगल्स होती हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक जो पूरा सर्कल है उसमें कितनी ट्राइंगल होती हैं, तो इसमें ये देखें 1, 2, 3 और 4, 4 राइट ट्राइंगल्स होती हैं, मतलब कि जो 90-90 का एंगल बना रही होती हैं, ठीक है। तो यानी एक जो कंप्लीट सर्कल होता है उसमें जो ट्राइंगल आपके पास बन रही होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो 4 एंगल बन रहे होते हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होती हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। सेक्सागेसिमल मेजर का क्या मतलब है, डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक है। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, 45 डिग्री और 30 मिनट है, ठीक है। ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसको डेसिमल लेके जाना है, मतलब जितने भी डिग्री और मिनट और सेकंड है इनको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमारे पास मिनट है इसको डिग्री में लेके जाते हैं, ठीक है। मिनट है, डिग्री में लेके जाना है, तो 60 से हमने डिवाइड कर देना है, 1/2 डिग्री आ गया, 45 डिग्री
ठीक है, और प्लस 0.5 डिग्री, तो इसका आंसर 45.5 डिग्री यानी डेसिमल फॉर्म में यही आ गया। मतलब बेसिकली हमने मिनट और इन चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, 45 डिग्री और 30 मिनट, तो इसका आंसर हमारे पास 45.5 आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 60 है, ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड है। तो हमने सबसे पहले ये जितने भी हमारे पास मिनट है इसको जब हम लोगों ने डिग्री में लेके जाना है तो 60 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकंड को जब 60 में लेके जाना है, उसमें सॉरी डिग्री में लेके जाना है, 3600 से कर देना है, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि जब मैंने 30 और 60 को डिवाइड किया है तो इसका आंसर 0.5 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.5 डिग्री। इस तरह से 30 को मैंने जब 3600 से डिवाइड किया है तो इसका आंसर मेरे पास 0.0083 डिग्री आता है। इन सब को कर देते हैं जमा, ठीक है, इसका आंसर आ गया 60.5083 डिग्री, ठीक है। अब आपने इसका आंसर अपना चेक करना है तो आपने इसको कर लेना है, ये 30 डिग्री 30 मिनट और 30 ही सेकेंड, तो इसका आंसर आपके पास 60.5083 आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और यही आंसर मेरा भी आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है, कि जो एक मिनट होता है, एक मिनट इसमें जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 60 सेकंड, जो एक डिग्री होता है उसमें हमारे पास 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक जो राइट ट्रायंगल जो बन रही होती हैं एक इन वन सर्कल फोर राइट एंगल ट्रायंगल आर मेड, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले वाले हैं अगर वो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता था 12 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 डिग्री है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ये जो मिनट है इसको मैंने से डिग्री में लेके जाना है, 60 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। ये 50 है, ये सेकंड है, इसको मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसका मैं डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 22 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया है तो इसका आंसर 0.3666 डिग्री आया है, जबकि जब मैं 50 को 3600 पे डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर 0.0138 डिग्री आता है। इन तीनों को मैंने कर देना है जमा, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 125.379 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है क्या वो ठीक आया है, और 50 सेकंड, तो 125.380, तो तकरीबन हमारा आंसर सेम आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।